त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद है, जिसके तहत गुरुवार को जिले के 10 विकास खंडों पर मतपत्रों को बॉक्स में भेजा गया। कलेक्ट्रेट स्थित भारत निर्वाचन कार्यालय से ट्रक के माध्यम से मतपत्र बॉक्स में रखकर 10 ब्लॉकों पर भेजे गए। शेष 10 ब्लॉकों पर शुक्रवार को मतपत्र भेजे जाएंगे, जिसके संबंध में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन करने के बाद गुरुवार को 10 विकास खंडों पर मतपत्र भेजे गए हैं, जिससे 15 अप्रैल को मतदान को सकुशल संपन्न कराया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, झंडी दिखा रहा है फिर यार ड्राइवर साहब खाली वाली गाड़ी हम लोग की कौन सी है? ये उठाओ भैया, जान चली जाए दर्शन दे और नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस बोल रहा हूँ। जैसा कि हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, उसमें नामांकन हो गया, नाम वापसी हो गई, चुनाव चिन्हों का आवंटन हो गया। आज 10 ब्लॉक के मतपत्र ब्लॉकों के लिए रवाना कर दिए गए हैं, कल शेष 10 ब्लॉक के मतपत्र चले जाएंगे। हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 तारीख तक चल रहा है। मेरा सभी से अनुरोध है, जो भी इसको सुन रहे हैं, ड्यूटी सभी को करनी है, किसी की मतदान कार्मिक की ड्यूटी कटेगी नहीं, और अगर वो मौके पर नहीं पहुंचेगा तो उसके विरुद्ध FIR होगी और दंडात्मक कार्रवाई होगी।